हेलो दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मशहूर एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर्स मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड को तो जानते ही होंगे। मिस्टर इंडियन हैकर चैनल के ओनर का रियल नेम दिलराज सिंह रावत है और क्रेजी एक्स वाई जेड चैनल के ओनर का रियल नेम अमित शर्मा है। आज के समय में मिस्टर इंडियन हैकर के यूट्यूब चैनल पर 22.7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसी के साथ दिलराज भाई इंडिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर बन गए हैं। क्रेजी एक्स वाई जेड के यूट्यूब चैनल पर 18.9 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसी के साथ अमित भाई इंडिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर बन गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन और इनकम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के कार कलेक्शन के बारे में। मिस्टर इंडियन हैकर के कार कलेक्शन में नंबर वन पर आती है टाटा नैनो। इस कार पर दिलराज भाई ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है और इस कार की इंडिया में कीमत 2,50,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर टू, सुजुकी स्टीम। इस कार पर भी दिलराज भाई ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे इस कार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस कार की इंडिया में कीमत 4,50,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर थ्री, हुंडई वरना। इस कार पर दिलराज भाई ने बहुत कम एक्सपेरिमेंट किया है। इस कार को ज़्यादातर दिलराज भाई की टीम यूज करती है और इस कार की इंडिया में कीमत 13 लाख रुपीज़ के करीब है। नंबर फोर, महिंद्रा बुलेरो। और इस कार की इंडिया में कीमत 10 लाख रुपीज़ के करीब है। नंबर फाइव, महिंद्रा बुलेरो पिकअप 4x4। और इस कार की इंडिया में कीमत 8,80,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर सिक्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4। इस कार को दिलराज भाई पर्सनल यूज़ करते हैं। ये कार दिलराज भाई की फेवरेट कार है और इस कार की इंडिया में कीमत 45 लाख रुपीज़ के करीब है। ये कार दिलराज भाई के कार कलेक्शन की सबसे महंगी कार है। अब हम बात करते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के कार कलेक्शन के बारे में। अमित शर्मा के कार कलेक्शन में नंबर वन पर आती है मारुति सुजुकी वैगनआर। इस कार पर अमित भाई ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। ये कार इनकी सबसे पुरानी कार है और इस कार की इंडिया में कीमत 4 लाख रुपीज़ के करीब है। नंबर टू, हुंडई सेंट्रो। इस कार पर भी अमित भाई ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और इस कार की इंडिया में कीमत 4,50,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर थ्री, टाटा सफारी। इस कार को अमित भाई ने कुछ मंथ पहले ही परचेस किया है। ये कार अमित भाई के कार कलेक्शन की सबसे महंगी कार है और इस कार की इंडिया में कीमत 20 लाख रुपीज़ के करीब है। नंबर फोर, हुंडई i20। इस कार पर अमित भाई ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और इस कार की इंडिया में कीमत 9 लाख रुपीज़ के करीब है। अब हम बात करते हैं दिलराज भाई और अमित भाई के बाइक कलेक्शन के बारे में। दिलराज भाई के बाइक कलेक्शन में नंबर वन पर आती है हीरो HF डीलक्स। इस बाइक पर दिलराज भाई ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे इस बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस बाइक की इंडिया में कीमत 70,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर टू, बजाज पल्सर 220। इस बाइक पर भी दिलराज भाई ने एक्सपेरिमेंट किया है और इस बाइक की इंडिया में कीमत 1,50,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर थ्री, यामाहा R15। इस बाइक को दिलराज भाई ने गिव अवे भी किया था और इस बाइक की इंडिया में कीमत 1,80,000 रुपीज़ के करीब है। नंबर फोर, रॉयल इनफील्ड 350। ये बाइक दिलराज भाई के बाइक कलेक्शन की सबसे महंगी बाइक है और इस बाइक की इंडिया में कीमत 2,20,000 रुपीज़ के करीब है। चलिए अब बात करते हैं अमित भाई के बाइक कलेक्शन के बारे में।
अमित भाई के बाइक कलेक्शन में नंबर वन पर आती है बजाज डिस्कवर। ये बाइक अमित भाई के बाइक कलेक्शन की सबसे पुरानी बाइक है और इस बाइक की इंडिया में कीमत 70,000 रुपीस के करीब है। नंबर टू, हीरो स्प्लेंडर प्लस, और इस बाइक की इंडिया में कीमत 75,000 रुपीस के करीब है। नंबर थ्री, TVS Apache RTR 160, और इस बाइक की इंडिया में कीमत 1,30,000 रुपीस के करीब है। नंबर फोर, यमहा FZ, इस बाइक को अमित भाई ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर गिव अवे भी किया था और इस बाइक की इंडिया में कीमत 1,60,000 रुपीस के करीब है। नंबर फाइव, सुजुकी हायाबूसा, इस बाइक को अमित भाई ने हाल ही में परचेस किया है और इस बाइक की इंडिया में कीमत 17,00,000 रुपीस के करीब है। चलिए अब हम बात करते हैं दिलराज भाई और अमित भाई के YouTube इनकम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दिलराज भाई के YouTube इनकम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, दिलराज भाई के YouTube पर 4 चैनल हैं। नंबर वन, मिस्टर इंडियन हैकर, और इस चैनल में 22.7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर टू, दिलराज सिंह, और इस चैनल में 2.4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर थ्री, मिस्टर टाइटेनियम, जिसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर फोर, मिस्टर इंडियन हैकर शॉर्ट्स, और इस चैनल में 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर दिलराज भाई की मंथली इनकम की बात की जाए तो दिलराज भाई अपने चारों चैनल से हर महीने लगभग 16 से 18 लाख रुपए की कमाई करते हैं। अब हम बात करते हैं अमित भाई के YouTube इनकम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अमित भाई के भी YouTube पर 4 चैनल हैं। नंबर वन, क्रेजी XYZ, और इस चैनल में 18.9 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर टू, द इंडियन अनबॉक्सर, और इस चैनल में 3.3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर थ्री, क्रेजी XYZ शॉर्ट्स, और इस चैनल में 6,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर फोर, अमित XYZ, जिसमें 4,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर अमित भाई की मंथली इनकम की बात की जाए तो अमित भाई अपने चारों चैनल से हर महीने लगभग 13 से 15 लाख रुपए की कमाई करते हैं। इसके अलावा दिलराज भाई और अमित भाई ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्रेजी XYZ और मिस्टर इंडियन हैकर में से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है।